हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का जीके जीएस T20 में स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ परिसर और खेल संबंधित जीके का क्वेश्चन, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। और इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसका पूरा डिस्कस आज करेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहले हम लोग कुछ इसका थ्योरी पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद MCQ भी प्रैक्टिस करेंगे जो जिस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को दबाएं, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, ऊपर में लिखा हुआ है परिसर और इधर खेल संबंधित खेल लिखा हुआ है। अब देखिए, बोर्ड पर कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहाँ पर टेबल टेनिस खेला जाता है। आप पहले ये देख लीजिए MCQ में, आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। फिर डायमंड किसका परिसर है, तो बेसबॉल खेला जाता है डायमंड। तैराकी, ये तो आसान है, तैराकी कहाँ पे, तो ये पूल में किया जाता है। अब ग्रीन्स जो है ये यहाँ पे खेला जाता है ब्लाउज। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे देखिए रिंग में क्या होता है, पांच नंबर में रिंग में होता है स्केटिंग और मुक्केबाजी। तो आप ये दोनों होता है रिंग में, ऑप्शन में देख के आप लोग समझ जाइएगा। एली में कौन सा खेल खेला जाता है, तो यहाँ पे बॉलिंग। नेक्स्ट है एरिना में कौन सा खेल खेला जाता है, तो ये है घुड़सवारी। और फील्ड में बहुत सारा खेल खेला जाता है, ये तीनों आप याद रखें, पोलो है एक और दूसरा फुटबॉल है और फिर हॉकी है, तो आप ये तीनों याद रखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट है पीच। तो देखिए पीच पे क्या खेला जाता है, पीच पे खेला जाता है क्रिकेट और रग्बी भी पीच पे खेला जाता है। तो ऑप्शन में आप लोग सिर्फ क्रिकेट रहे, रग्बी रहता है, रग्बी ज्यादा पूछा जाता है क्योंकि क्रिकेट तो कॉमन गेम है जो सबको पता होता है। रिंक, देखिए रिंक में क्या, तो कर्लिंग खेला जाता है और यहाँ आइस हॉकी होगा, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आइस हॉकी। मैट पे क्या खेला जाता है, तो मैट पे जूडो कराटा और टाइकोंडो भी एक टाइप का कराटा ही होता है, ये जूडो का और कराटा दोनों इसमें मैट में खेला जाता है। उसके बाद आया वेलोड्रम, यहाँ पे साइकिलिंग ये बहुत बार पूछा जाता है, साइकिलिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ ट्रैक पे क्या होता है, ट्रैक पे एथलेटिक्स जो होता है ट्रैक पे होता है। रेंज में देखिए, रेंज में निशानेबाजी और तीरंदाजी ये दोनों रेंज में होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है ये आखिरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आता है और हम लोग जो भी है गलत कर जाते हैं। कोर्ट पे देखिए, ये सारे खेल कोर्ट पे खेले जाते हैं। पहला है टेनिस है, बैडमिंटन है, नेटबॉल है, खो खो है, स्क्वैश है, कबड्डी है, हैंडबॉल है, वॉलीबॉल है। तो आप एक एक करके ये सारा क्वेश्चन कोर्ट का जरूर याद कीजिए, क्योंकि ये इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है, क्योंकि कोर्ट पे बहुत सारा गेम खेला जाता है। तो ऑप्शन में आने से आप लोग को कन्फ्यूज हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसका MCQ कैसे आता है। तो देखिए, ऐसे घुड़सवारी कहाँ की जाती है, आप यहाँ पे चार ऑप्शन है, आप लोग यदि इससे पहले बिना स्किप किए देखें वीडियो को तो इसका आंसर आराम से कर पाएंगे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एरिना। नेक्स्ट, टेबल टेनिस कहाँ खेला जाता है, आप लोग के पास 5 सेकंड है, यहाँ पे आप लोग आंसर कीजिए। तो कहाँ पे खेला जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये बोर्ड पे खेला जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, गोल्फ कहाँ खेला जाता है, इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, कोर्स में खेला जाता है। नेक्स्ट, साइकिलिंग कहाँ की जाती है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
वेलोड्रम। नेक्स्ट, तैराकी के लिए कौन सा खेल परिसर होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पूल। नेक्स्ट, निशानेबाजी व तीरंदाजी कहाँ की जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेंज। नेक्स्ट, बेसबॉल किस खेल परिसर में खेला जाता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायमंड। मुक्केबाजी, आइस हॉकी और स्केटिंग कहाँ खेली जाती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिंग। नेक्स्ट, क्रिकेट और रग्बी कहाँ पर खेला जाता है? तभी हम लोग देखे थे, पिच पे खेला जाता है क्रिकेट और रग्बी। नेक्स्ट, जूडो, कराटे व टाइकोंडो कहाँ पर खेले जाते हैं? ये मैट पे। नेक्स्ट, सॉरी, ये आखिरी क्वेश्चन था। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और कोई भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप लोग कमेंट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।